तो मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर पे जो बिजली का जो मीटर होता है वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, या आप लोग का जो मीटर है वो जल जाता है, अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने घर पे एक नया मीटर लगवाएं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि नए मीटर के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे डालते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग ऑनलाइन अपने बिजली के मीटर के लिए कंप्लेन कैसे डाल सकते हैं। अगर आपका मीटर जल गया है तो आप लोग जो है डालना चाहते हैं ऑनलाइन कंप्लेन, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग में बिल्कुल सही जानकारी और रियल जानकारी दूंगा, जिससे आप लोग मेरे प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग एक नया बिजली मीटर को अपने घर पर लगवा सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट। आप लोग अपने घर पर बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं, उससे पहले आप लोगों के मैं एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का जो बकाया पैसा है, यानी कि जो भी आपका बिल आता है घर पे, वो अगर कोई भी बिल बकाया होगा तो आपका जो मीटर का मतलब जो नया मीटर है उसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो आप डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि आपका जो बकाया पैसा है पहले उसको जो है चुकाइए, यानी कि पेमेंट कीजिए, तभी मैं ये आपके घर पर मीटर को पहुँचाऊँगा। ये बिजली डिपार्ट की तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन आती है। अब दोस्तों अगर आप लोग का जो पैसा है बकाया वो ज़्यादा है, लगभग 20-25 हज़ार या 50 हज़ार, और आप लोग चाहते हैं एक बार में ना दे पाएँ उसको, आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके दें, तो आप लोग उसकी जो है किस्त बनवा लीजिए, आप लोग 1500 की, 2000 रुपए की, और आप लोग जो है थोड़े थोड़े रुपए करके हर महीना देती रहिए, तो आपका जो मीटर है वो घर पर आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो है पैसा अगर है अभी, तो आप लोग उसको जो है टोटल की टोटल पेमेंट कर दीजिए और आपका जो मीटर है वो अप्लाई हो जाएगा। अब चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग अपने जो मीटर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों बिजली मीटर को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो है अपना अकाउंट नंबर है बिजली का वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपको जो स्लिप मिलती है इस तरीके की, तो उसी में आपको जो है अकाउंट नंबर आपको जो है मिल जाता है। समायोजन पर देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर है, तो ये साफ नहीं दिख रहा, आपको जो है साफ से जो है सही से देख लेना होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, अकाउंट नंबर आपको पता है तो आप लोग यहाँ पे जाइए और 1912 पे आप लोग कॉल कीजिए, 1912 पे कॉल कीजिए और आप लोग जो इसको डायल कर दीजिए। हैंड फ्री करता हूँ, सुनिए आप। ध्यान से सुनिए। तो मैं एक दबा देता हूँ। अन्यथा लाइन पर बने रहें। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पास स्थानांतरित की जा रही है। आपकी कॉल आंतरिक प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण हेतु रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, मैं सांगप्रे, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर मेरा मीटर है वो जल गया है, खराब हो गया है, तो यहाँ पे मैंने बिजली विभाग यहाँ पे किसी को चेक करवाया, उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट डाल दो 1912 पे तो आपका मीटर घर पे आ जाएगा। जी, जैसे कि आप बता रहे थे आपका जो मीटर है वो जल गया है। जी, निश्चिंत है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। शुभ नाम बताइए, आपको शुभ नाम क्या? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, प्रवीण कुमार जी नाम बताने के लिए धन्यवाद। जिला बताइए सर, किस जिले से बात कर रहे हैं आप? मैनपुरी जी। सर मैं अकाउंट आईडी बताइए सर, खाता संख्या, बिजली की बिल की। 7272002000। आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली गई, कंप्लेन नंबर आपको SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जी ओके सर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग अपने घर पे बिजली के मीटर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों अगर आप लोग को बिजली का मीटर ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।